सिक्स क्लास से ही आपको ऑक्यूपेशन बेस्ड जो कोर्सेस में आपको बोला जा रहा है खोपा जाएगा, तो ये तो मनुस्मृति का पूरा विधान है। अगर जनता को चूसा जाने के लिए होगा तो जनता को हटा देना चाहिए इस सरकार को। अब ये लोग चूस रहे हैं, जनता का खून चूस रहे हैं, फीस बढ़ाया गया, लोग विरोध किए, उनको मार मार करके उनकी हड्डी तोड़ दी गई। बढ़ाया गया कि नहीं बढ़ाया गया, एक तरीके से मॉडर्न जो है मनुवादी सिस्टम लागू करना है कि कैसे इनको शिक्षा से वंचित किया जाए। कोई भी नीति इस देश में मीडिया यहाँ 90% पांव पसार के बैठा है कि जैसे पहले राजे रजवाड़े होते थे, राजे रजवाड़ों की विरुद्धालियां गाई जाती थी कि महाराज आप प्रभु हो, महाप्रभु हो, आप वीर हो, प्रतापी हो, महाप्रतापी हो। ये जो विरुद्धावलियां जो है आजकल मीडिया का जो है मेन खबर हो गई। नमस्कार, मैं नूर जहां और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मुलायम सिंह जी और शशांक समीर जी हमारे साथ मौजूद हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको लेके ये लोग कह रहे हैं कि उसमें खामियां बता रहे हैं कि वो जो गरीब छात्र हैं उनके लिए सही नहीं है, तो क्या खामियां हैं, तो उन्हीं से हम पूछते हैं। आपसे शुरुआत करते हैं। देखो, अगर आप पूरा NAP का ड्राफ्ट पढ़े तो इसमें शिक्षक भी जो है उसको भी मारा जाएगा। जो प्राइवेटाइजेशन का पूरा सिस्टम है इसमें यूनिवर्सिटी, उसमें लिखा है कि यूनिवर्सिटी विल बिल्ड अप इंटेंसिव स्ट्रक्चर टू जनरेट देयर ओन रिसोर्सेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सिटी अपना रिसोर्स खुद जनरेट करेगी, सरकार उसमें कोई मदद नहीं करेगी। तो वो उसका बर्डन किस पर आएगा, कॉलेज पर, यूनिवर्सिटी पर, और कॉलेज यूनिवर्सिटी अपना रिसोर्स जनरेट करेगी स्टूडेंट से, तो स्टूडेंट का फीस हाई थी क्योंकि फीस ही एकमात्र जरिया अपना रिसोर्स जनरेट करने का। तो इसका मतलब है जैसे ही फीस बढ़ेगा वैसे इस देश का गरीब मजलूम जो है, जो अभी भी कम पैसे में इन तरह के इंस्टीट्यूशन में आ पा रहा है अपने मेधा अपने प्रतिभा के बल पर, उसको फिर से एक तरीके से मॉडर्न जो है मनुवादी सिस्टम लागू करना है कि कैसे इनको शिक्षा से वंचित किया जाए। एक ही रीजन है। अगर मतलब वो फीस पे करनी है तो वो एजुकेशन लोन भी तो ले सकते हैं ना। लोन क्यों चाहिए, सवाल ये है कि एजुकेशन, जैसे अगर गांधी की ही अगर एजुकेशन पॉलिसी को देखें तो उनका कहना है कि एजुकेशन तो सबका, ये तो फंडामेंटल राइट है ना। कोई चीज़ अगर फंडामेंटल राइट है तो उसमें लोन का सिस्टम नहीं है। हम क्या स्टार्टअप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं कि हमको जो है, ये तो एजुकेशन किसी देश का, हर देश का मूलभूत अधिकार है, वो सबको मिलना चाहिए। और स्टेट तो इसी पर बना है, जो वेलफेयर स्टेट है कि सारे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, शिक्षा प्रोवाइड करेंगे और चिकित्सा प्रोवाइड करेंगे, स्वास्थ्य की सुविधाएँ, रोड की सुविधाएँ, बिजली की सुविधाएँ। तो ये ऐसा नहीं कि इससे प्रॉफिट जनरेट करें। कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट जब चुनी जाती है जनता, तो इसलिए चुनती है कि जनता के हित में इस तरह के फैसले लिए जाएंगे। अगर जनता को चूसा जाने के लिए होगा तो जनता को हटा देना चाहिए इस सरकार को। अब ये लोग चूस रहे हैं, जनता का खून चूस रहे हैं, गरीबों को डर लग रहा है कि उनके बच्चों के जो है भविष्य खतरे में है, वो अभी इतनी महंगी शिक्षा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और जिनके पास पैसा है वो सिवनाडर जा रहे हैं, गलगोटिया जा रहे हैं, वो शारदा जा रहे हैं, वो कहीं भी चले जाएं, वो विदेश चले जाएं, अमेरिका चले जा रहे हैं। लेकिन सरकारी मुझे पढ़े जो कॉलेज होते हैं उनकी तो फीस कम ही होती है, तो उसमें तो एडमिशन लिया जा सकता है। बढ़ाया गया, लोग विरोध किए, उनको मार मार करके उनकी हड्डी तोड़ दी गई। बढ़ाया गया कि नहीं बढ़ाया गया, लोग विरोध करेंगे जब भी उनके हक और हुकूक पर हमला होगा, विरोध करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि कैसे लोग जो है कितना गरीबी से उठ करके यहाँ तक आते हैं और अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए। अगर उनके फ्यूचर को अगर कोई सबोटाइज करने की कोशिश करेगा, कुचलने की कोशिश करेगा, छीनने की कोशिश करेगा, तो उसके माँ बाप, पेरेंट और खुद वो बच्चा उसका रिवोल्ट करेगा, ये उसी के खिलाफ। लेकिन आप देखिए ना, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें सिक्स क्लास से ही बिजनेस इंटर्नशिप कराएंगे और डिजिटली काम होगा, डिजिटल मतलब उससे पढ़ाया जाएगा। इस पे सबसे आपको देखने की चीज़ है कि ये जो सिक्स क्लास से ही आपको ऑक्यूपेशन बेस्ड जो कोर्सेस में आपको बोला जा रहा है कि थोपा जाएगा, तो ये तो मनुस्मृति का पूरा विधान है, जिसमें जो शूद्राज जो थे, जो वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र कहलाते थे, जो आज का SC ST OBC है, उसको उसी जिस पेशे में, जिस जाति में पैदा होते थे उन्हीं के पेशे तक उनको सीमित कर दिया जाता था। तो ये तो बहुत ही मतलब गंभीर बात है और इस पे हर बहुजनों को सोचना चाहिए कि इस तरह का अगर पॉलिसी आएगा तो ये मनुस्मृति का विधान फिर से लागू हो जाएगा। और दूसरा चीज़, बाबा साहब कहा करते थे कि 1947 में ही उन्होंने कहा था कि हमें अंग्रेजी शिक्षा को अपनाना पड़ेगा और अंग्रेजी को अपना देवी मानना पड़ेगा, ना कि ये सरस्वती या फिर जो कह रहे हैं ना कि पांचवी तक मातृभाषा में भी पढ़ाएंगे। हाँ, तो मातृभाषा का जो ये जो खोखला खेल है उसमें तो ये जितने भी जो RSS के जो बड़े बड़े जो आइडियोलॉग है, जो संस्कृत को स्थापित करने की बात कर, उनके बाल बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। तो बाबा साहब ने तो शुरू से कहा है कि हमें अंग्रेजी को अपनाना चाहिए। जितनी जल्दी बहुजन समाज अंग्रेजी को अपना लेगा
उतने जल्दी वो प्रगति करेगा, क्योंकि अंग्रेजी के बिना आपका ठीक है एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाएगा। समाज को एक व्यवहार अपने आसपास और अपने टोले मोहल्ले में देखना चाहिए कि जो उपदेश दे रहा है कि संस्कृत होनी चाहिए, हिंदी पढ़ना चाहिए, हमारी संस्कृति है, मर्यादा धर्म, और जितना ये जो है उपदेश देता मिले उनके बच्चे बच्चियों को देखता, कहता कुछ और है करता कुछ और है, तो कुछ भी कहे सुन लेना है, करना उसी को है जो उसके बच्चे कर रहे हैं। वो अपने बच्चों को मिशनरी स्कूल में पढ़ाएगा, मिशनरी उसमें एडमिशन नहीं मिलेगा तो दुनिया भर का सोर्स लगाएगा कि किसी तरीके क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल मिल जाएगा। अब बाप जो है मिशनरी स्कूल के खिलाफ जो है मोर्चा खोला हुआ है, वो जा जा करके जो है मिशनरियों के खिलाफ, धर्म परिवर्तन के खिलाफ जो है दुनिया भर का पहाड़ा बांच रहा है, और अपने बच्चे को उसी मिशनरी स्कूल में डालने के लिए, मैं इलाहाबाद का हूँ, वहाँ बहुत सारे क्रिश्चियन कॉलेज हैं, वहाँ ये हम लोग देखे हैं, तो इनके कथनी करनी में बहुत भेद है। ये बहुत ही हिपोक्रेटिक लोग हैं जो इस तरह से कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, ये एक नालायक निकम्मे लोग हैं, ये सोसाइटी में एकदम बेकार लोग हैं, निकम्मे हैं। दूसरा सबसे जो एक अहम पहलू है जो आपको सोचना चाहिए कि ये पूरे जो ड्राफ्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति, इसमें कहीं भी रिजर्वेशन का जिक्र नहीं है। तो ये रिजर्वेशन ख़त्म करने की एक पूरी तरीके से लागू करने की ये पूरा प्रक्रिया है। इसमें सामाजिक न्याय से दुभर कर दिया गया है, बहुजनों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। तो हम मांग करेंगे कि नई शिक्षा नीति की जगह बहुजन शिक्षा नीति लाया जाए, जिसमें 85% जो हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी को उनका वाजिब हक मिले। आपको पता है कि अभी भी संस्थानों में किस तरीके से इनका गला घोटा जा रहा है, चाहे वो हाँ कोई है ही नहीं, इनको 30 में से 1-2 नंबर दिया जाता है, इनको वाइवा बोस में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला जाता है। तो इस तरह का चीजें आपको देख रहे हैं। जो SC ST लोग हैं उनको ही तो सबसे पहले एडमिशन मिलता है, उनके लिए परसेंटेज भी कम कर दी जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये जो रिजर्वेशन है ये जो है इसलिए गया कि इतने संख्या में इन बच्चों का प्रतिनिधित्व इन कॉलेजों में अवसर दिया जाए, अवसर दिए। अभी देखिए उसका एक अभी गवर्नमेंट का आया है, उसमें EWS का 3 नंबर पे एडमिशन सिलेक्शन हुआ है। अब बताइए 3 नंबर में सिलेक्शन हो रहा है, आप जो अभी तक रिजर्वेशन को गालियां दे रहे हैं वो 3 नंबर ला रहे हैं, और 3 नंबर में मेरिट है उनकी, 50 में 3 नंबर, 100 में 3 नंबर और सिलेक्शन हो रहा है, तो SC ST पे कैसे लागू होता है? ये जो बाभन ठाकुर, दावन ठाकुर, लाला बनिया और जो जातियाँ जो EWS में शामिल है 4-5 जातियाँ, उन पर भी लागू होता है कि तुम्हारी मेरिट कहाँ गई, तुम्हारा कम नंबर। आप लोग CUET के भी विरोध में है। किसके? CUET जो एग्जाम है। देखिए CUET का अब CUET के अंदर जो करप्शन चल रहा है, अब आप उसको देखिएगा कि पहली बार क्या होता था, जब एग्जाम लेती थी यूनिवर्सिटीज, तो यूनिवर्सिटी में क्या होता, कई लोगों का स्टेक होता था, उसमें कोई भी करप्शन करना मुश्किल था। तुम उठा के एक NGO को दे दिए, वो NGO में कौन चुना है, किसको रखा है, कोई पता नहीं है, क्वेश्चन कैसे जा रहा है, कहाँ किसके जरिए जा रहा है, कोई मालूम, उसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। जोड़ना चाहूँगा कि जो AVVP के जो लोग हैं, जो RSS का और जो BJP का जो स्टूडेंट विंग है, उसके अंदर में आप जाएंगे तो उसके अंदर वाले लोगों से अगर बात करेंगे तो अंदर बंद कमरे में 3 लाख में डायरेक्ट सेटिंग हो रहा है। दो तरीके से अभी नीट ये का जो भी आया है, NTA किस तरीके से करप्शन कर रहा है उसका मैं ध्यान लाना चाहूँगा कि दो तरीके से हो रहा है। आप 3 लाख दीजिए और आपको क्वेश्चन मिलेगा, और नहीं तो जहाँ पे ऑनलाइन जो सेंटर्स होते हैं वहाँ डायरेक्ट उनका सर्वर को हैक करके, वो आज देखिए ना ऐसे ऐसे लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, वो इसी तरीके से हो रहा है। अरे दिल्ली लोग CUET से कह रहे हैं कि खुश नजर आ रहे हैं ना, जो 12वीं में अच्छे नंबर नहीं ला पाए उन लोगों को एक एग्जाम का जरिया मिला एडमिशन लेने के लिए। मामला जो है सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव का है। मामला क्या है सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव में, कि डिस्क्रिप्टिव आ गया, जब वैकल्पिक आ गया तो बहुत सारे ऐसे लोग जो दूसरे दूर दूर के स्टेट में थे जिनका मीडियम कुछ और होता था वो आ रहा है, डाइवर्सिटी तो मेंटेन हुई लेकिन एजुकेशन की क्वालिटी एकदम हो गई। तो इसको दोनों मोड में लाने की ज़रूरत है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इसको डेमोक्रेटाइज करने को ट्रांसपेरेंट बनाने की ज़रूरत है। इसमें यूनिवर्सिटी जितने में NTA निकाल रहा जितने समय में रिजल्ट उतने में यूनिवर्सिटी भी निकालती थी, कोई लेट नहीं होता था, 1-2 दिन का फासला होता था, बस इतने से अंतर था। तो तुम कह रहे हो बहुत ट्रांसपेरेंट है, फास्ट है, तो मैं कह रहा हूँ जो लोग 3 साल फेल हुए हैं लॉ फैकल्टी दिल्ली के वो टॉप कर रहे हैं CUET में। कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, पूरा का पूरा इसमें क्वेश्चन आउट हो रहा है, लोग को पैसे पर सवाल दिए जा रहे हैं। अगर किसी भी व्यवस्था में जरा से भी डाउट क्रिएट हो रहा है, जरा भी अगर जनता का जो है ये लग रहा है कि ठीक नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो उस व्यवस्था पर सवाल उठेगा और उसके ऊपर रिकरेक्ट करने की ज़रूरत है। और ऑब्जेक्टिव ही करना, मुझे ऑब्जेक्टिव से दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हक जो है यूनिवर्सिटी को दिया जाए ताकि वो उसके शेयर होल्डर रहेंगे तो करप्शन को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। लेकिन जब ये नीति लाई गई थी तो बहुत ही एकदम स्वागत किया गया था। कोई भी नीति इस देश में, मीडिया यहाँ 90% पांव पसार के बैठा है
कि जैसे पहले राजे रजवाड़े होते थे, राजे रजवाड़ों की विरुद्धालियाँ गाई जाती थीं कि महाराज आप प्रभु हो, महाप्रभु हो, आप वीर हो, प्रतापी हो, महाप्रतापी हो। ये जो विरुद्धावलियाँ जो है आजकल मीडिया का जो है मेन खबर हो गई है, विरुद्धावली गाना। तो आप लोग एजुकेशन के विरोध में हैं या फिर भाजपा के विरोध में? आप भाजपा का भी विरोध कर रहे हैं? भाजपा एजुकेशन को लागू कर रही है, तो इस क्योंकि भाजपा लागू कर रही है तो जो लागू करेगा हम उसी का विरोध करेंगे। अगर वो लागू ना करते तो हम उसका विरोध नहीं करते। अगर वो लोगों को लाठी नहीं मारते उसका विरोध नहीं करते हम। सिंपल है, अगर वो 3% जो उन्होंने जो फंड दिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तरह तहत, अगर वो उसको 10% कर दे तो हम लोग क्यों विरोध करेंगे? अगर वो कॉन्ट्रैक्ट भी तो चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम खत्म करे, अंग्रेजी में शिक्षा, एक ऐसी पॉलिसी लाई है तो आप विरोध करें और अच्छे काम भी तो देखिए। साइबर स्फीयर एंड सिक्योरिटी, अब किसी क्लास में प्रोजेक्टर नहीं है, आप क्या जो है फिशिंग क्या समझाओगे, क्या साइबर सिक्योरिटी पर, साइबर क्राइम क्या समझाओगे, कैसे कौन से जो लिंकेज होते हैं, कैसे लिंक भेजे जाते हैं, उसके लिए तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। बोर्ड टूटा हुआ है, लाइट खराब हो जा रही, फ्यूज हो जा रहा है सब कुछ, बहुत सारे कॉलेजों, सब कुछ कुछ कॉलेज मेंटेन भी कर रहे हैं, उस पर भी नैक की टीम आ रही है, पूरा जो है A+ भी दे दे रही है, तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ मैनेज की जाए। नीति का आप, अगर मैं भी DU में पढ़ा रहा हूँ अभी, तो नई शिक्षा नीति का एक जो इम्पैक्ट अभी पूरा एकदम अभी सामने देखने को मिल रहा है कि जैसे पहले क्या होता था, 35 क्लासेस मिलते थे हिस्ट्री का कोई कोर्स ख़त्म करने के लिए। जैसे अगर आप एंशियंट इंडिया पढ़ा रहे हैं तो 35 क्लास में पढ़ाना होता था, अभी उन्होंने 16, 17 या 20 क्लास में दे दिया, मैक्सिमम 20 क्लास में आपको ख़त्म करना है। इसका मतलब जो CUET का जो MCQ मोड आ गया है, वैकल्पिक आ गया है, कि आपको अकबर के बारे में पढ़ाना है तो बता दीजिए कि अकबर का बाप कौन था, अकबर कब राजा बना, लेकिन अकबर की पॉलिसीज, अकबर का क्या सेकुलर व्यू था इसके बारे में नहीं। तो मतलब आप सबको मतलब पूरा का पूरा जो सेमिस्टर सिस्टम 6 महीने का था उसको 3 महीने में कर रहे हैं, तो बच्चे सीख तो पाएंगे नहीं। इसका मतलब ये किसी तरीके से आप 1 साल कर लिए कोर्स लेकर सर डिप्लोमा लेकर चले जाइए, 2 साल कर लीजिए, 2 साल दूसरा के लिए ये जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, ये काफ़ी हद तक मतलब लोगों को मतलब ड्रॉप आउट करने के लिए मजबूर कर रहा है। मतलब आप देखिए कि जिनके घरों में मतलब पैसा ज़्यादा नहीं होता है, जो मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वो एडमिशन तो लेते हैं दबाव में कि चलो ले लेते हैं, और वो क्या होता था सेकेंड ईयर जाते जाते वो ड्रॉप आउट कर जाते थे। क्यों? क्योंकि वो रोजगार भी ढूंढ रहे हैं किसी तरीके से घर चले। तो इन्होंने फायदा है ना कि 1 साल में अगर सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो इससे जल्दी जॉब मिलेगी। सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो उसका फायदा लॉन्ग टर्म में क्या होगा? जैसे मिल गया, जैसे ये आर्मी में जो अग्निवीर लेके आए उससे क्या फायदा? चलो इस पर कर लें, 1 साल हो गया, 3रा सेमेस्टर चल रहा है, हाँ तीसरा सेमेस्टर का भी एग्जाम होने जा रहा है, 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो गए, 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो गए, पूरे DU में 90 करीब का कॉलेज हैं, 90 कॉलेज में आप स्टूडेंट की स्ट्रेंथ मिला के देख लो, कितने हज़ार स्टूडेंट लग गए जॉब में, कोई डाटा है इनके पास? क्या सिखा दिए ये साल भर में? उसका कैलकुलेशन होगा ना, उसका कुछ तो विश्लेषण होगा, कुछ तो विवेचना होगी, उस पर कुछ नहीं है, बस हवाबाजी है, और आदमी लगा दिया गया है विरुद्धावलियों को। नई शिक्षा नीति के तहत जो जो प्रोफेसर्स जो चुन के आ रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्तियां हो रही है उसमें आप देखिए जो पॉलिटिकल नियुक्ति हो रही है, वो जो लाठी चला रहे हैं, जो लड़ाई में शामिल हैं, जो हिंसा कर रहे हैं, उनको डायरेक्ट लेके जाया जा रहा है। आप अगर इंटरव्यू देने जाएंगी तो आपको 2 मिनट में भगा दिया जाएगा, और उनको मतलब 15-20 मिनट दिया जाएगा, और पहले से ही फिक्स होता है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक नीति के आधार पर तो ख़राब है ही, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो और ज़्यादा भयावह है। उसको आपको देखिएगा तो जो टीचर नियुक्त होकर आ रहे हैं उनको बिल्कुल कुछ नहीं आता पढ़ाने। जो फ़ायदा बता के आता है जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, वही जब क्लास अलाट करता है तो गरियाता है बैठ करके, क्या करना पड़ रहा है, ये सब हम लोग तो पार्ट हैं उसके, बस चूंकि अब इंस्टीट्यूशन का पार्ट है, उसको लागू करना, किसी की सनक और जिद को पूरा करना है, तो पूरे जो एम्प्लॉई हैं वो पूरा करेगी। एम्प्लॉई की एक ही व्यवस्था है कि आपको ऊपर से जो जो किसी सनक को पूरा करना है, किसी सनकी की जिद को पूरा करना है तो आपको करना है। और जेंडर के मामले में भी ये डिस्क्रिमिनेटरी है, महिलाओं के भी हित में नहीं है। अब चूँकि महिला जो पहली बार एजुकेशन में आ रही है, जो कॉलेजेस हायर एजुकेशन में आ रही है, उनको थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने में, उनके साथ और भी मजबूरियां होती है। अब सेमिस्टर आप छोटा करते जाओगे तो उनको बड़ा दिक्कत होता है कोप अप करने में, तो ये सब चीज़ें भी है। और उनका जो अब चूँकि रिजर्वेशन, अब कुछ पॉइंट्स मिलते थे, ठीक है, महिलाओं को जेंडर के आधार पर पॉइंट्स JNU में मिलता था, अब उसको ख़त्म कर दिया गया, तो उनका नंबर्स भी आप PhD MPhil में देखेंगे तो घटने लगा है। तो इस तरह का
न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहीं से भी जेंडर के फेवर में नहीं है, सोशल जस्टिस के फेवर में नहीं है, तो आने वाले दिनों में इसका मतलब विरोध करना हमारा कर्तव्य बन जाए। तो हम लोगों ने इनसे बात करी, ये कह रहे हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका विरोध कर रहे हैं, साथ में भाजपा सरकार का भी विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं ये जेंडर के पक्ष में भी नहीं है, सोशल जस्टिस के पक्ष में भी नहीं है। आपका क्या मानना है हमें ज़रूर बताएगा और देखते रहें जनता आवाज़।